Hey, this is अंकित राज। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स आईआईटी जेईई। अब हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के कोर में पहुंच गए हैं, ठीक है। अब सारे कोर टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लाइन, ठीक है। तो इसमें पांच छह फॉर्म्स होंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर टू पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म तो बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले ना, स्लोप, इंक्लिनेशन, इंटरसेप्ट, ये सबका नॉलेज हमें होना रिक्वायर्ड है। तो आइए जानते हैं इंक्लिनेशन क्या है। तो कोई भी एक लाइन है, ठीक है, उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल बनेगा ना, वही हो जाता है इंक्लिनेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव एक्स साइड से, ठीक है, नेगेटिव एक्स साइड से नहीं, ये नहीं होगा इंक्लिनेशन। पॉजिटिव एक्स साइड से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह से लाइन, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया थीटा। फिर वो भी सेम ही है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन, ठीक है, आ गया थीटा। तो अगर इंक्लिनेशन हमारे को पता है, ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है, टेन ऑफ थीटा। मतलब थीटा पाई बाई टू नहीं हो, क्यों? क्योंकि तब टेन क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। तो स्लोप भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड, या उसे कहते हैं टेंडिंग टू इनफाइनाइट। करेक्ट, यहां तक क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन देता हूं। इस लाइन का इंक्लिनेशन बताओ। इंक्लिनेशन भी बताओ, फिर स्लोप बताओ। तो इंक्लिनेशन हमेशा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये थीटा हमें पता करना है। तो हम जानते हैं थीटा प्लस थ्री पाई बाई एट इक्वल्स टू पाई, लीनियर पेयर्स। तो थीटा क्या आ गया? फाइव पाई बाई एट, और यही है इंक्लिनेशन। तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा, यानी फाइव पाई बाय एट। अच्छा, टेन ऑफ थ्री पाई बाय एट का वैल्यू जानते हो, रूट टू प्लस वन। तो टेन पाई माइनस थीटा होता है, पता है क्या? माइनस टेन थीटा, रिडक्शन फॉर्मूले से, ठीक है, रिवाइज करो अगर नहीं समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ रूट टू प्लस वन। देख लो, सही तो लिखा है ना। अच्छा बताओ, जब इंक्लिनेशन जीरो है तो स्लोप क्या होगा? टेन ऑफ जीरो, यानी जीरो। दैट मींस इसका जो इंक्लिनेशन जीरो हो रहा है, यानी एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कोई भी इंक्लिनेशन नहीं बन रहा है, मतलब जीरो इंक्लिनेशन बन रहा है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन होगा, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इन सब लाइन का इंक्लिनेशन जीरो है। अब इंक्लिनेशन क्या बोलते हैं, 90 डिग्री कब होगा? जब इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर क्या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा? पाई बाई टू। करेक्ट। तो आपको दिया गया कि इंक्लिनेशन जीरो है, तो आप क्या समझेंगे? अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको दिया गया इंक्लिनेशन क्या है? पाई बाई टू। दैट मींस अ लाइन आइदर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। करेक्ट। कोई भी इसमें इशू नहीं, इशू रिगार्डिंग दिस, ठीक है, क्लियर कर लेना कमेंट बॉक्स में। जो भी क्वेरीज हो जरूर पोस्ट करना, और वीडियोस पसंद आए तो प्लीज यार लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। स्लोप में कोई भी दिक्कत? इंक्लिनेशन में हमेशा यही पॉइंट लोग बहुत मिस करते हैं। इंक्लिनेशन होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो पॉइंट बार बार लोग मिस करते हैं। जल्दबाजी में क्या निकाल दोगे? टेन थ्री पाई बाई एट, रूट टू प्लस वन आएगा, और वो गलत हो जाएगा। आप क्वेश्चन में सब कुछ सही करोगे, बस स्लोप में हल्का सा गड़बड़ी आपने करा और खत्म, माइनस वन या माइनस टू जो भी हो जाएगा। तो समझ लो अभी भी कोई दिक्कत है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना जरा सा भी कोई भी क्वेरीज है, ठीक है, इसे नोट करो। ओके, इंटरसेप्ट देखने से पहले स्लोप में एक टॉपिक छूट गया है हमारा, नोट करके लिख लेना। एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, इस पे आपको कोई भी दो पॉइंट मालूम है। तो अगर दो पॉइंट मालूम है यानी यूनिक लाइन होगा, ठीक है, दो पॉइंट से पास करता हुआ एक यूनिक लाइन होगा। करेक्ट।
तो आपको दो किसी दो पॉइंट के एक लाइन पे किसी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है, x1, y1 और x2, y2। अब आपको पता करना है इस लाइन का स्लोप। तो स्लोप से पहले आपको इंक्लिनेशन पता करना होगा, ठीक है? तो ये होगा इंक्लिनेशन, ठीक है? हमेशा हर जगह पे यही तो होगा इंक्लिनेशन, करेक्ट? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इंक्लिनेशन आपको पता करना है। तो कैसे पता करोगे? ये लेंथ क्या है? डायरेक्ट स्लोप ही निकालते हैं ना, स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। तो हमें ये लेंथ पता करना होगा और ये लेंथ, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है? तो वाई टू माइनस वाई वन, ओके। और ये लेंथ क्या हो जाएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है? तो टेन थीटा क्या आ गया? फिर क्या स्लोप आ गया हमारा? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। नोट करो, कोई भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको मालूम है किसी भी लाइन पे, दैट मींस आपको उस लाइन का स्लोप मालूम है, करेक्ट? स्लोप क्या होगा? डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, करेक्ट? बस एक ख्याल रखना है कि देखो ये इक्वल होगा वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू के। तो अगर आप डिफरेंस ले रहे हो, तो सपोज जैसे आपको एक कोऑर्डिनेट है 3.5, अगला कोऑर्डिनेट है 4.7, करेक्ट? तो अगर आप डिफरेंस ले रहे हो, या तो लो 7-5 अपॉन 4-3, इससे क्या आ जाएगा? 2, ठीक है? या फिर आप ले लो 5-7 अपॉन 3-4, तो -2 अपॉन -1 2 ही है, ठीक है? ये गलती मत कर देना कि ऊपर 5-7 करना और फिर सबट्रैक्ट करते टाइम डिनोमिनेटर में 4-3 कर देना, नहीं, करेक्ट? ऐसे नहीं करना। अगर आपको इसी कोऑर्डिनेट वाले को से सबट्रैक्ट करना है इसको, तो करो इससे। आपको नहीं मन करे इस कोऑर्डिनेट वाले से करना है, तो ऐसे करो, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में बिल्कुल वही करो, डबल स्टैंडर्ड मत करो, ठीक है? गलत हो जाएगा, नोट करो। ओके, हमारा अगला टॉपिक है इंटरसेप्ट। देखिए दो केसेस में इंटरसेप्ट आपको पता करने होंगे। एक तो आपको ग्राफ मिल गया है, ठीक है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बिल्कुल लाइन ड्रॉन है, तब आप उसका इंटरसेप्ट बताएं। और एक है कि जब आपको लाइन का इक्वेशन पता हो, तब उसका इंटरसेप्ट बताना है। तो देखिए वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट का डेफिनेशन क्या है, देख लीजिए। वाई इंटरसेप्ट का डेफिनेशन है ना कि वाई कोऑर्डिनेट व्हेन द लाइन कट्स द वाई एक्सिस, या फिर आप बोले y कोऑर्डिनेट व्हेन x इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये बेटर डेफिनेशन है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन जब हमें मालूम रहेगा ना, तभी ये वाला डेफिनेशन काम कर जाएगा, ठीक है? तो y इंटरसेप्ट यानी y कोऑर्डिनेट व्हेन x इक्वल्स टू 0, और x इंटरसेप्ट है x कोऑर्डिनेट व्हेन y इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 कब हो रहा है? इस मोमेंट पे, ठीक है? तो इस टाइम क्या हमें मिल रहा होगा? y इंटरसेप्ट। तो यहां पे जो भी y कोऑर्डिनेट होगा, सपोज 0.4, तो 4 हमारा क्या हो गया? y इंटरसेप्ट, ठीक है? और इसे कोऑर्डिनेट है 3.0, तो यहां पे क्या हो रहा है? y 0, यानी इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वही हमारा होगा x इंटरसेप्ट, तो 3 हो गया x इंटरसेप्ट, ठीक है? वही इस वाले ग्राफ में देखते हैं, एज्यूम कर, और ये पॉइंट है -2.0। तो यहां पे एक्स इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा? जहां पे वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, जहां पे वाई 0 हो रहा है, तो वाई 0 हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है? तो हमारा एक्स इंटरसेप्ट हो गया -2, और वाई इंटरसेप्ट हो गया जहां पे एक्स 0 हो रहा है, यानी लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 2, ठीक है? फंडे क्लियर है ना आपके? अच्छा एक बात बताओ, मैं कुछ सेकंड के लिए इसको मानू 4, ठीक
ठीक है, 4 एज्यूम करो, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट इक्वल है, करेक्ट। तो अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप मैंने आपको बताया था m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो इक्वल्स टू वाई टू 4 माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस 4, माइनस 1 आया, करेक्ट। तो ये हमेशा होगा, जब भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल होगा, विद मतलब मैग्नीट्यूड में भी इक्वल और मतलब साइन में भी, दोनों प्लस साइन का है या दोनों माइनस साइन का है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, स्लोप माइनस 1 हो रहा होगा। अब देखो ये केस क्या है ना, यहां पे मैग्नीट्यूड तो सेम है बट साइन अलग अलग है, तो यहां पे क्या होता है, देखो स्लोप, स्लोप इक्वल्स टू 2 माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस माइनस 2, तो ये हो गया 2 अपॉन 2, दैट मीन्स 1। तो व्हेनेवर, ठीक है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मैग्नीट्यूड में इक्वल हो बट साइन में डिफरेंट हो, मतलब एक पॉजिटिव साइन का हो कोई एक नेगेटिव साइन का हो, उस टाइम पे स्लोप 1 हो रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो y इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट क्या है, फिर से बता देता हूं, y इंटरसेप्ट है y कोऑर्डिनेट व्हेन द लाइन क्रॉसेस y एक्सिस, या फिर हम कहें व्हेन x इक्वल्स टू 0। x इंटरसेप्ट है x कोऑर्डिनेट व्हेन y इक्वल्स टू 0, या फिर कहें व्हेन द लाइन क्रॉसेस x एक्सिस, ठीक है। अब आते हैं, आपको जब लाइन पता हो तब कैसे इंटरसेप्ट निकालना है, तो पहले ये नोट कर लो, ठीक है, मुझे कुछ स्पेस चाहिए होगा। समझ गया ना, नोट कर लिया, ओके। चलो आपको लाइन दिया गया है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 2, करेक्ट। अब आपको पता करना है इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट का डेफिनेशन क्या है, जहां पे y इक्वल्स टू 0 हो रहा होगा, तो y को 0 पुट करो, पुट y इक्वल्स टू 0, तो 3x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 बाई 3, और यही हो गया x इंटरसेप्ट, ठीक है। पॉइंट समझ पा रहे हो ना। अब y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 6y इक्वल्स टू 2, तो आ गया y हमारा 2 बाई 6, यानी क्या 1 बाई 3, ये हो गया y इंटरसेप्ट, ओके, क्लियर है? और क्लियर। अब एक जनरल देख लो, अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स, ये था एग्जांपल 1, ओके, ये है एग्जांपल 2, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो x इंटरसेप्ट के लिए देखो क्या करना है, y को 0 रखना है, यानी ax plus c equals to 0, that means x equals to minus c by a, और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 कर देना है, तो by plus c equals to 0, तो y equals to minus c by b, यही हो गया y इंटरसेप्ट, ठीक है, इतना नोट करो। तो जो भी प्रीरिक्विजिट था ना, जो भी हमें रिक्वायर्ड था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन पढ़ने के लिए, वो हमने कवर कर लिया। अब हम पढ़ रहे होंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। तो अच्छा मेरे को ये बताओ कि आपको एक यूनिक लाइन कब मिलता है, क्या एक पॉइंट से पास करने वाला लाइन, मैं आपको बोल दूं कि लाइन है जो वो एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज बोल दूं मैं 0.4 से पास कर रहा है, तो क्या आपको एक यूनिक लाइन ऑब्टेन होगा, नहीं, क्योंकि 0.4 से पास करने वाला तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन है ना, तो ये यूनिक लाइन तो नहीं मिला। तो यूनिक लाइन कब मिलेगा, आइए उसी पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, चर्चा आगे बढ़ाते हैं, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको बस मैं एक पॉइंट दे दूं, तो आप ये नहीं डिटरमाइन कर सकते हो कि लाइन यूनिक होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट से तो अनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर रहे हैं। यही मैं आपको बोल दूं कि एक लाइन है जो 3.4 से भी पास कर रहा है और 7.9 से भी पास कर रहा है, ठीक है। अब क्या एक यूनिक लाइन मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं। क्या कोई और लाइन पॉसिबल है, क्योंकि इससे भी पास कर रहा हो, इससे भी पास कर रहा हो, नहीं, ठीक है।
अब हमें यूनिक लाइन मिलेगा। तो ये एक तरीका हुआ यूनिक लाइन ऑब्टेन करने का। और भी तरीका हो सकता है, आपको एक पॉइंट मालूम है करेक्ट, तो इससे हजारों लाइन पास कर रहे होंगे ठीक है, लेकिन स्लोप सबका अलग अलग होगा। तो अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं ठीक है कि जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और उसका स्लोप मैं आपको बता दूं ठीक, तो अब उस स्लोप का एक ही लाइन होगा करेक्ट। अब उस स्लोप का जो भी 1/3, 4/5 जो भी स्लोप दोगे आप, अब उस स्लोप का उस पॉइंट से गुजरता हुआ ठीक है एक ही लाइन होगा। और क्या हो सकता है, आपको स्लोप दे रहा हूं मैं ओके, कि इस स्लोप का लाइन है, सपोज मैंने दिया हाफ स्लोप, तो उस स्लोप का लाइन कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है इनफाइनाइट ठीक है, बहुत सारे लाइन हो सकते हैं उसी स्लोप के ठीक है, पैरेलल लाइंस, इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस। तो अब यूनिकली डिटरमाइन करना है ना अगर हमें लाइन को, तो अगर मैं आपको दे दूं या तो कोई पॉइंट दे दूं तब भी काम चल जाएगा। अब अगर मैं आपको इसका वाई इंटरसेप्ट देता हूं करेक्ट, ये वाई को क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट पे, अब एक ही लाइन आपके पास मिला, अब यूनिक लाइन मिला। तो ये जो तीन केसेज हैं वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इस तो दो तीन और केसेज हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, नॉर्मल फॉर, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट स्लोप फॉर, टू पॉइंट फॉर और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर, यही तीनों फॉर लाइन का जो है ना वो हम आज डिस्कस करेंगे करेक्ट। तो चलिए ठीक है, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ओके, समझते जाना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, जरा सा भी आपको लोड नहीं आएगा करेक्ट। नोट क्या करना है इसमें ओके, तो पहला फॉर्म ऑफ लाइन है पॉइंट स्लोप फॉर, मतलब कि आपको एक पॉइंट मालूम है x1, y1 जिससे ये लाइन क्रॉस कर रहा है ठीक है, जिससे ये लाइन पास कर रहा है, पास इज अ बेटर वर्ड ठीक है, क्रॉस थ्रू ठीक है, और इसका जो स्लोप है वो है m ओके। अब मुझे ना इस लाइन का इक्वेशन बताओ, क्यों, क्योंकि इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में, मतलब कि अगर आपको एक पॉइंट मालूम है और स्लोप भी मालूम है, तो होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन ठीक है, ध्यान में रहेगा ऑब्वियस ठीक है, ऑब्वियस तो खैर नहीं होता है शुरू में ठीक है, डाइजेस्ट करना पड़ता है, प्रूफ वगैरह समझना पड़ता है। तो इसका प्रूफ बता दूं क्या, तो प्रूफ देखिए क्या है, y और x क्या है, ये y और ये x क्या है, इस लाइन के हर पॉइंट अगर यहां पे y रखोगे तो x मिल जाएगा ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है उसका कुछ x कोऑर्डिनेट है कुछ y कोऑर्डिनेट है, वही है यहां पे y और x, वही y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, इस लाइन के हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y है, x कोऑर्डिनेट x है करेक्ट। तो x कॉमा y कोई भी एक जनरल पॉइंट, हर पॉइंट में से कोई एक पॉइंट चुनते हैं ठीक है, तो x कॉमा y, तब स्लोप क्या हो रहा होगा, इस लाइन का स्लोप क्या हो रहा होगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, और ये स्लोप तो कोइंसिडेंटली मुझे पता है m के इक्वल है ठीक, तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, वही तो लिख रखा है ना मैंने वहां पे, ये अगर समझ आ रहा है तो ये भी समझ आना चाहिए। अब कोई भी वैल्यू रखो इस लाइन पे प्रेजेंट ठीक है एक्स वाई का, वो सेटिस्फाई कर रहा होगा इससे, नोट करो क्लियर है ना, अगर मुझे वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट पता है किसी भी लाइन पे किसी एक पॉइंट का, और उस लाइन का स्लोप भी हमें पता है, तो उसका जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू स्लोप एम इनटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ओके। ये अगर आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो जो दूसरा फॉर्मेट 2.4 वो तो आप आसानी से डाइजेस्ट कर लोगे, ध्यान से देखो 2-4 मिनट ठीक है, पॉज कर लो थोड़ा सा, ठीक है 2.4 देखते हैं, 2.4 बिल्कुल इसी के तरह है, टू पॉइंट फॉर
एक लाइन है उस पे आपको दो कोऑर्डिनेट मालूम है, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है, x1 y1 x2 y2 करेक्ट। अब देखो जैसे पिछले बार तुमने लिखा था कि अगर एक पॉइंट मालूम हो तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो एक कोऑर्डिनेट तो अभी भी मालूम है, लेकिन इस बार स्लोप नहीं मालूम है। लेकिन चूंकि दो पॉइंट है तो स्लोप तो मैं यहीं से निकाल लूंगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यही हो गया स्लोप। तो एम के जगह पे उठा के रख दो, तो वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम के जगह पे रखो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हुआ 2.4। ठीक है, ये ऊपर वाला था पॉइंट स्लोप 4। ठीक है, समझ पा रहे हो। अगला होगा हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब स्लोप मालूम है और इंटरसेप्ट मालूम है तब कैसे डील करना है, पहले ये समझो। कोई भी दिक्कत कमेंट बॉक्स में डालना, नहीं समझ आए, अगर दो चार पांच लोग हो गए जिनको बिल्कुल ये समझ ही नहीं आ रहा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा अच्छे से इलैबोरेट करके। अब कमेंट करो आपका, मतलब जो भी क्वेरीज होगा ना सब सॉल्व करूंगा मैं एश्योर कर दे रहा हूं आपको। और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब तो जरूर करना, अपने दोस्तों से भी करवाना, ठीक है, पढ़ने से कम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि तुम शेयर कर दोगे तो तुमको कम नॉलेज आ जाएगा, तुम कल भी जीनियस थे आज भी जीनियस रहोगे, शेयर कर दोगे दूसरा भी आगे बढ़े, क्या दिक्कत है यार, दूसरा भी टेंडिंग टू जीनियस हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, ये तो चलो ये था दूसरा 2.4, और तीसरा है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको स्लोप मालूम है, ठीक है, इसका स्लोप m है, और आपको इंटरसेप्ट मालूम है, ये इंटरसेप्ट क्या है, यानी कहो तो आपको y इंटरसेप्ट, सॉरी इसको अगर अच्छे से कहूं तो स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर, तो अगर आपको इसका y इंटरसेप्ट मालूम है यानी ये कोऑर्डिनेट मालूम है, आपको दिया गया कि इसका y इंटरसेप्ट है इक्वल्स टू c और स्लोप है m के इक्वल, ये आपको मालूम है, ये मिटाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसका y इंटरसेप्ट मालूम है यानी उस टाइम पे x जीरो हो रहा होगा और y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा, y इंटरसेप्ट तो c, ठीक है। अब जैसा भी c प्लस माइनस जैसा भी होगा, अगर माइनस होगा तो यहां आ जाएगा, करेक्ट, वो लोड नहीं देना, यानी मुझे अभी भी एक स्लोप मालूम है और पॉइंट मालूम है, पॉइंट स्लोप फॉर y माइनस वाई वन क्या है c इक्वल्स टू एम एक्स माइनस जीरो, यानी y माइनस c इक्वल्स टू एम एक्स, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नोट कर लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तीनों फॉर्म क्लियर है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही आया 2.4, और पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही आया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको y इंटरसेप्ट पता है, करेक्ट, तो अगर y इंटरसेप्ट पता है यानी मुझे y कोऑर्डिनेट मालूम है और जहां पे वो y इंटरसेप्ट हो रहा होगा y इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट वहां पे x जीरो हो रहा होगा, तो एक पॉइंट मालूम है स्लोप मालूम है, तो सिमिलर टू पॉइंट स्लोप फॉर, तो क्या है y इक्वल्स टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ लाइन। नोट करो, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, दो तीन फॉर्म जो बच गए हैं वो अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी ये नोट करो कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। कुछ क्वेश्चंस है, पहले खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखना। देखिए चार पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, बोला गया है लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट इज इन
inclined at an angle of 3 pi by a with positive x axis. ये एंगल है 3 पाई बाई, तो स्लोप क्या होता है? m इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, तो इसका इंक्लिनेशन क्या 3 पाई बाई 8 ही है। क्यों? क्योंकि इंक्लिनेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, तो 3 पाई बाई 8 ही, और पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको मालूम है ना, अभी डिराइव करा है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो y माइनस जीरो इक्वल्स टू m। अब बस स्लोप का वैल्यू पता करना है ना, तो m इक्वल्स टू tan 3 पाई बाय 8 यानी 67.5 डिग्री, जो कि होता है रूट टू प्लस 1, 22.5 tan 22.5 होता है रूट टू माइनस 1 और tan 67.5 होता है रूट टू प्लस 1, तो इक्वल्स टू रूट टू प्लस 1, तो y इक्वल्स टू रूट टू प्लस 1 x माइनस 1। ये आ गया पार्ट ए। पार्ट बी क्या है? इट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस y इक्वल टू x एंड y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। सॉल्व करो, पहले ये नोट करो, ठीक है। और पार्ट बी में क्या करना है, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, उसका टू पॉइंट फॉर्म बन जाता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y equal to x and y equals to 2x plus 1। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यानी वहां पे x equals to 2x plus 1 हो रहा होगा, तो x equals to minus 1, ठीक है, और जहां पे x equals to minus 1 हो रहा होगा वहां पे y भी minus 1 हो रहा होगा, करेक्ट। तो मुझे वो लाइन पता करना है, उस लाइन का इक्वेशन पता करना है जो कि 1,0 से पास कर रहा हो और -1,-1 से पास कर रहा हो, तो y माइनस जीरो इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एक पॉइंट मालूम था तो हमने तो ये प्रोसीजर अप्लाई करा, लेकिन अब एम कैसे निकालेंगे? तो दो पॉइंट मालूम है ना हमको, तो उससे एम आ जाएगा एम इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू जीरो माइनस माइनस वन, वन अपॉन एक्स टू वन माइनस माइनस वन टू। ठीक है, तो स्लोप आ गया हाफ, तो y equals to x1 क्या था 1 ना, ठीक, तो y equals to half x minus 1 part b answer। ठीक है, समझे क्या करा हमने? देखिए, अगर एक पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y minus y1 equals to m x minus x1, तो एक पॉइंट तो हमने मालूम था, ठीक है, तो हमने इस तरह से प्रोसीजर अप्लाई करा। अब लोचा किसका है? स्लोप का। तो स्लोप हम कैसे लाएंगे? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इससे भी पास कर रहा है, तो हमने निकाला, तो y इक्वल टू x और y इक्वल टू 2x प्लस 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एट -1,-1। तो अब अगर हमें किसी लाइन के दो पॉइंट्स मालूम है तो स्लोप तो हम मालूम कर ही सकते हैं y2 y1 upon x2 x1 से, तो स्लोप की जगह पे पुट करा हमने हाफ, तो y इक्वल टू x माइनस 1 बाई 2, या फिर कहें 2y माइनस x प्लस 1 इक्वल टू g। ओके, नोट करो, मिटाता हूं। पार्ट सी क्या है? लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट पासेस थ्रू 1,2। ये भी टू पॉइंट फॉर्म ही हो गया ना, मुझे मालूम है एक लाइन है जो 1,0 से भी पास कर रहा है और 1,2 से, करेक्ट। तो पहले तो मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूं, m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, 2 minus 0 upon 1 minus 1। ठीक है, इसका स्लोप टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो रहा है। ओके,
आप वैसे भी देखो ना, ठीक है, इसका स्लोप तो इनफाइनाइट जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हर क्वेश्चन को क्या हमें जो भी फॉर्मेट है या क्या फॉर्मूला ढंग है उसी से करना पड़ेगा क्या? ये देखो, x इक्वल्स टू वन, y इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू वन, y इक्वल्स टू टू, इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ लाइन क्या हमें मिलेगा? x इक्वल्स टू वन लाइन, करेक्ट, तो लाइन आ गया x इक्वल्स टू वन, ठीक है, बहुत सिंपल था। ओके, कराने का पर्पस यही था कि स्लोप जब इनफाइनाइट हो जाए तब क्या करना है, उस टाइम पे x इक्वल टू, जब भी स्लोप इनफाइनाइट आए ना उस टाइम पे x इक्वल टू k लाइन बन रहा होगा, स्लोप टेंडिंग टू इनफाइनाइट बन रहा है तो लाइन जो ऑब्टेन होगा वो होगा x इक्वल टू k, और यहीं पे अगर स्लोप जीरो के इक्वल आता तो y इक्वल टू k, कुछ भी कॉन्स्टेंट 1 2 3 1 करोड़ 5 करोड़ जो भी होना होता वो होता। चलो अब डी, इट हैज एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव y एक्सिस। चलो ओके, लाइन पासेस थ्रू 1,0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट पासेस थ्रू 1, सॉरी इफ इट हैज एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव y एक्सिस। देखो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में ना, इफ यू ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपरली 50% ऑफ द जॉब इज डन देन एंड देयर, ओके 50% ऑफ द जॉब इज डन देन एंड देयर ओनली मोमेंट यू ड्रॉ द डायग्राम करेक्टली। तो 1,0 से पास कर रहा है तो कैसा है, या तो इस तरह का हो सकता है या फिर, तो देखो बोल रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस वाले केस में तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को छू भी नहीं रहा है तो 30 डिग्री बना रहा होगा, यानी ये पाई बाई सिक्स, ओके तो ये 30 तो ये भी 30 और ये तो 90 है, ओके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन ही तो ना, भले हो सकता है थोड़ा सा टिल्ट हो गया लेकिन ये तो 90 है, तो अगर ये 30 तो ये 60 तो ये 120, ठीक है, और इंक्लिनेशन यही है तो स्लोप क्या हो गया tan 120 डिग्री, tan 90 प्लस 30 इक्वल्स टू, या फिर ऐसे देखें ना tan 180 माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस tan 60, तो m इक्वल्स टू माइनस रूट 3, तो पॉइंट स्लोप फॉर लगा दो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन, यानी वाई इक्वल्स टू एक्स वन सॉरी वन वाई इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री, ठीक है, यानी रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू रूट थ्री, करेक्ट है, नोट करो और एग्जाम्पल नंबर टू करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल टू, देखो फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 2,4 एंड फॉर्मिंग अ ट्रायंगल ऑफ 16 स्क्वायर सेंटीमीटर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, यहां पे एक यूनिट को एक सेंटीमीटर मान रहा है, 16 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए था, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, इतना तो अंडरस्टूड होता है, तो 2,4 से पास कर रहा है, अब देखो 2,4 से पास करता हो स्ट्रेट लाइन कैसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो पूछ रहा है ऐसा कितना स्ट्रेट लाइन होगा, तो एट मैक्स तो 3 हो सकता है, ठीक है, जिसका एरिया 16 के इक्वल हो, लेकिन हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं ये h कॉमा 0 और 0 कॉमा k से पास कर रहा है, तो अब देखो ये तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना है इसलिए ना 0 कॉमा k h कॉमा 0, अगर ये वाला कंडीशन हो तब भी हम इसे लेंगे h कॉमा 0 और 0 कॉमा k, इस टाइम पे h नेगेटिव होगा लेकिन क्या एरिया नेगेटिव होगा, नहीं, तो उस टाइम पे एरिया क्या आ जाएगा मॉड ऑफ हाफ इंटू एच इंटू के, ठीक है, एग्री कर रहे हो ना, एरिया क्या होगा जो भी आएगा उसका मॉड, नेगेटिव तो हो नहीं सकता लेकिन एच और के नेगेटिव हो सकता है, अब देखो के को तुम एच के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या,
क्योंकि स्लोप बराबर होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो स्लोप बराबर होगा, जो स्लोप इतने का होगा वही इसका होगा। तो 4 माइनस के अपॉन 2 माइनस जीरो इक्वल्स टू 4 माइनस जीरो अपॉन 2 माइनस एच। तो दैट मीन्स 4 माइनस के इंटू 2 माइनस एच इक्वल्स टू 8। तो 4 माइनस के इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 माइनस एच, तो -k = 8/2 - h - 4, तो k क्या हो गया, k हो गया 4 - 8/2 - h। कैलकुलेट करो तो 8 - 4h - 8, 8 - 4h तो -4h/2 - h, दैट मीन्स 4h/h - 2। ये क्लियर है कि k 4h/h - 2 है, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन भी सारे एक भी स्टेप्स मैंने स्किप नहीं करा है, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई खास डिफिकल्टी नहीं हो। मैं चाहता तो दो चार स्टेप बढ़ा के भी मैं ला सकता था कि इक्वल्स टू 4h/h - 2। क्लियर है? तो k हो गया 0, 4h/h - 2। ये रख करता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। तो एरिया क्या आ जाएगा, और एरिया है कितने के इक्वल, 16, ठीक है। तो 16 इक्वल्स टू हाफ मॉड एच इंटू 4h/h - 2, ठीक है। तो 16 इक्वल्स टू हाफ 4h² / h - 2। से ध्यान से देखो तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसको तो मॉड से बाहर ले लो, तो 1/1, ठीक है। एक केस में एच ग्रेटर देन 2, एक केस में एच लेस देन 2, दोनों के लिए अलग अलग सॉल्यूशन आएगा। जब एच ग्रेटर देन 2 है तो 16h - 32 इक्वल्स टू 2h² या फिर एच अगर लेस देन 2 है तो माइनस से खुलेगा, तो 32 - 2h इक्वल्स टू 2h² इस केस में अगर देखो तो ये ये बन रहा है, पर ये है h -4 का होल स्क्वायर, तो 0 कब होगा, एट h = 4। यहां से एक सॉल्यूशन आया और ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसके रूट्स 2 रूट आ रहे हैं, ठीक है। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है 2h², ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो यहां से 2 सॉल्यूशन आएंगे एच के, और दोनों चूंकि डी पॉजिटिव है तो दोनों रियल सॉल्यूशन आएंगे, तो एक यहां से, 2 यहां से, तो टोटल 3 सॉल्यूशन। तो यानी टोटल 3 स्ट्रेट लाइन होंगे जो 16 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया बना रहे हैं, करेक्ट। नोट कर लो, ठीक है, कभी क्वेश्चन कराए, ठीक है। 2 फॉर्म और पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में ढेर सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन या कुछ जेई जेई एडवांस के भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।